मारुति सुजुकी की सबसे सेल्स लेने वाले गाड़ी मारुति सुजुकी की अल्टो, जी हाँ, इसे डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। हालांकि गाड़ी के प्रोडक्शन काफी दिनों से बंद हो चुका है, गाड़ी इसी महीने के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि अप्रैल के बाद गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। हालांकि जो गाड़ी भी बचा हुआ है डीलर्स के पास, वही गाड़ी आपको मिल जाएगा, नहीं तो उसके बाद गाड़ी नहीं मिलेगा। लेकिन मारुति सुजुकी अल्टो के प्लेटफॉर्म के ऊपर दो गाड़ियां लाने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। तो चलिए डिटेल्स में जानकारी लेते हैं, क्या अल्टो एक नया अवतार में आ जाएगा, नया जनरेशन अल्टो हमें देखने को मिलेगा आगे, या अल्टो का दिन अभी खत्म हो गया, या जो नया गाड़ी आने वाले हैं मारुति सुजुकी की तरफ से वो क्या कुछ होने वाला है, इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मिकांत, आपको देख रहे हैं ट्विटर वीडियो चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इंडिया की सबसे बेहतरीन सेल्स लेने वाली गाड़ी अल्टो के बारे में क्या होने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए ट्विंटर वो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये बात तो सच है, मारुति सुजुकी अपने अल्टो को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। अल्टो मतलब अल्टो K10 को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, जो कि 1 लीटर वाला इंजन के साथ, K-सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ आता था। हालांकि अल्टो 800 अभी भी अवेलेबल है, वो एक नए अवतार में कुछ ही दिनों पहले ही लॉन्च हुआ था, लेकिन अल्टो K10 को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके बदले क्या कुछ गाड़ी आएगा, अभी तक मारुति सुजुकी की तरफ से कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। हालांकि मारुति सुजुकी अल्टो K10 लगभग 2 लाख तक सेल दे देता था मारुति सुजुकी को। हालांकि ये गाड़ी को अगर डिसकंटिन्यू किया जा रहा है तो उसके बदले मारुति सुजुकी सुनने को तो यही मिल रहा है दो गाड़ियों के ऊपर काम कर रहा है, एक है 800cc वाली गाड़ी, एक है 1 लीटर वाली गाड़ी, दोनों ही पेट्रोल इंजन में आने वाला है। बात करें इसी सेगमेंट की, यानी कि अल्टो जिस सेगमेंट में जिस प्राइस पॉइंट में आता है उसी सेगमेंट में आज के तारीख में देखा जाए तो लगभग कॉम्पिटिशन खत्म ही है। अगर एक ही गाड़ी सिर्फ कम्पीट में है तो वो है की क्विड, 800cc इंजन पे हो या 1 लीटर पे हो, वही एक गाड़ी है जो कि बजट में आ रहा है। मारुति सुजुकी का कुछ यही प्लानिंग था कि एस्प्रेसो को अल्टो के जगह ले आना, लेकिन एस्प्रेसो की थोड़ा प्राइस रेंज हाई रहा तो एस्प्रेसो अल्टो के जगह नहीं ले पाया। एस्प्रेसो के सेल्स उतना नहीं रहा जितना कि मारुति सुजुकी का टारगेट था। तो अब मारुति सुजुकी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर दो गाड़ियां लाने वाला है। हालांकि ये दोनों गाड़ियां BS6 नॉर्म्स को फुलफिल भी करेंगे, बजट रेंज में रहेंगे, अल्टो जिस प्राइस रेंज में शुरू हो रहा था उसी प्राइस रेंज में शुरू होंगे, गाड़ी में अच्छा खासा जगह भी आपको मिल जाएगा पहले से, और गाड़ी काफी बेहतरीन भी रहेगा। ये जो दो गाड़ियां आने वाला है, एक है 800cc वाला गाड़ी और एक है 1 लीटर वाला गाड़ी, यानी कि 1000cc वाला गाड़ी, और वो जो 1000cc यानी 1 लीटर वाला गाड़ी है उसको कोड नेम दिया गया है YN3, और एक जो 800cc वाला गाड़ी है उसको कोड नेम दिया गया है YNN के नाम से। हालांकि बात करें ये गाड़ियां कब लॉन्च होगी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों गाड़ियों के ऊपर काफी दिनों से काम चल रहा है। हालांकि ये दोनों गाड़ियां BS6 में आएगी और सेफ्टी नॉर्म्स को फुलफिल भी करेंगे। कि अल्टो एक ऐसा गाड़ी है जो इंडियंस के लिए काफी बहुत मतलब बहुत कुछ मायने रखता है, चाहे मारुति सुजुकी के लिए कि क्यों ना हो। मारुति सुजुकी के लिए ये 2 लाख तक सेल्स ले आता था, हालांकि इंडियंस के लिए एक पहला पसंद था एंट्री लेवल सेगमेंट में, जो लोग 2 व्हीलर से 4 व्हीलर तक शिफ्ट होना चाहते थे तो उनके लिए पहला पसंद ही अल्टो रहता था। अगर बात करें अल्टो एक नाम नहीं, इंडियंस के लिए बोला जा सकता है एक इमोशन ही है। तो मुझे नहीं लगता कि अल्टो को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा तो यानी कि अल्टो अभी खत्म है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अल्टो फिर से आने वाला है। जो आप गाड़ी सुन रहे हैं 800cc वाला या हो 1000cc वाला या 1 लीटर वाला जो आप सुन रहे हैं, जो गाड़ी बना रहा है मारुति सुजुकी, वो अल्टो के नाम से आ जाएगा। वही अल्टो और K10 और अल्टो 800 रहेगा, जो कि नया अवतार के साथ आएगा, कुछ नया डिजाइन रहेगा, सारे सेफ्टी नॉर्म्स और BS6 इंजन के साथ भी आ जाएगा। लेकिन प्राइस में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन प्राइस में थोड़ी सी ही बढ़ोतरी किया जाएगा, एस्प्रेसो के द्वारा थोड़ा आगे नहीं निकल जाएगा। अगर बात करें इसमें कॉस्ट कटिंग के लिए कुछ कुछ चीजें आपको नहीं मिल सकता है, सिर्फ मतलब फीचर थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन गाड़ी एक एंट्री लेवल के सेगमेंट में बेहतरीन तब भी था और आगे भी रहेगा। और बात करें दोनों गाड़ियों की लॉन्चिंग की, तो दोनों गाड़ियों की लॉन्चिंग हो सकता है 800cc का लॉन्चिंग इसी साल के अंत तक, यानी एंड ऑफ 2020 तक आपको देखने को मिल जाए। अगले साल फर्स्ट फेज में, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में ही
1 लीटर वाला गाड़ी है उसको देखने मिल जाए। तो ये कुछ हो सकता है मारुति सुजुकी की तरफ से, लेकिन अभी तो अल्टो डिसकंटिन्यू हो जाएगा इसी महीने के बाद। आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।